दो अलग अलग हुई चोरियों में 1.5 लाख से अधिक सामान के साथ नाबालिग सहित 9 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंगरौली बैठन थाना अंतर्गत अलग अलग दो चोरियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सैंडे, नगर पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर दोनों चोरियों के 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों के पास से बरामद एक समर्शियल पंप, 150 फीट केबल, एक AC, 2 सेलिंग फैन, एक कंप्यूटर मॉनिटर, एक CPU, एक प्रिंटर, एक प्रेस, गहनों का एक बॉक्स, एक वाटर फिल्टर एवं कांच के बर्तन, कुल कीमती लगभग 1,50,000 रुपए का सामान जब्त कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया। बर्दाश्त किया है, इसमें पूरा कोतवाली की टीम ने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद में मामला ट्रेस हो पाया है। लगभग 1.5 लाख रुपए का मसरूका हमने बरामद किया। दो मामले इसमें खुलासा हुआ, एक मामले में सबमर्सिबल पाइप वगैरह, पंप वगैरह इसमें चोरी का बरामद किया गया है, और दूसरे मामले में हमने कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो सामग्री होती है और AC वगैरह ये जब्त किया है। टोटल मिला करके 9 आरोपी है, 9 आरोपियों से सामग्री जब्त की गई है। इन्होंने अलग अलग घटना को अंजाम दिया था वीडियो बना करके, और इनको आज GR पेश किया जाए। सर, ये जो आरोपी है इनमें से कोई पुराने गिरोह का भी कोई आदमी है? सर हाँ, दो आदमी है, 2-3 आदमी इसमें पुराने गिरोह के हैं अभी, और हम इनसे पूछताछ करेंगे आगे, और जो भी खुलासा होगा आप लोगों को बताएंगे।